Audio Jungle. जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद साडे हक इत्थे रख साडे हक इत्थे रख भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद वाहे खालसा वाहे जी फतेह। मैं हरमिंदर सिंह रहाउण भारतीय किसान यूनियन मैं खन्ने तो बोलता जी। ये मोदी सरकार तो जी सानू गुड़ च कुट के मिर्चा खिलाउणियां चाहुंदी है पर असीं ये मिर्चा खांदे नहीं। ये पहला मैनू ऐ दसो इहदे नालों तां चंगा आ जिहड़ी करोना हुण अज इहने इशू कीती है। ये किसानां नू उत्थे एक एक टीका दूजे लोड़ दा ही ला देवे इहदे भुलेखे नाल उह फायदा वड्डे। जे सानू कानून नहीं देणे तो आता चीज़ सानू दे दे उत्थे हरोज मरन नालों सानू इको बार क्यों नहीं मार दिंदा। ये साडे नाल बेइंसाफी करदा साडे नाल माहौल उत्थे बुला लैंदा मीटिंग वो दो तीन नू तोड़ दिंदा ना उन्होंने आप नू कानूनां दा पता है। वो जट्टां नू सवाल पूछी जांदे ने इहदे बारे दसो थानू क्यों मुआफक नहीं मैं वो जो असीं मिर्चा खाणियां ही नहीं सानू क्यों तो जबरदस्ती खिलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। नाम दस्स दिओ। अशपाल सिंह जी बहुत माड़े। एवें नहीं उत्थे बैठे साडे भरा असीं भी इत्थे एवें नहीं बैठे हैंगे। जिन्ना चिर रद्द नहीं हुंदे असीं इत्थों भी नहीं हिलना उत्थों भी नहीं आउणा दिल्ली चों क्यों इहदियां लत्तां कंबणगियां मोदी दियां। कोई समां आ जाणा कोई महाराज ने वक्त पाया पै इहदा जां लैटरिन च भी जांदा इहनूं साह आउणा औखा हो जांदा। एक तो भुलेखा ना खा दे मोदी साड़ी जिहड़ी कौम है ये बहुत महाराज नूं सच्चे पातशाह ही जानदा। इन्हें जिहड़े कानून लैंदे ने रद्द करा के आउणा। बाकी जिहड़े होर ने अज मैं भुपिंदर सिंह मान ने साडे ने फैसला देता उत्थे इस्तीफा मैं उहदा धन्नवाद करना। साडा कोच भी मान है सिंघा सरौगी का पिछा मेरा कलामा दा पिंड उन्हें बहुत वधिया गल करी है ये साडे लई माना लई। बाकी जिहड़े होर बैठे ने तोमर होनी जां अडवाणी होनी असीं इत्थे बढ़ नहीं देवांगे किते भुलेखा ना खा लैण। साडे बहुत मुंडिया के साडे भी हौसले बुलंद ने किते भुलेखा ना खा लवे सरकार साडे नाल गल्ले नहीं करदी। किन्नियां मीटिंगां हो गईयां जिहड़े कोई गल नहीं बात नहीं। ये बहुत कुत्ती सरकार है सानू नहीं चंगा समझदी। साडी फौज है उत्थे बैठी उन्होंने कदे भी इन्हां ने परेड दे विच जां सलामी दिंदे आ कदे नहीं सामने आए। ये अपने बंदे करदा सामने उत्थे साडे बंदे इक ने नहीं सामने आए। फौजी साडे बैठे ने बार्डरां दे भरा वो साडे नहीं जिहड़े बंदे साडे मर गए किन्ने बंदे मर गए। इन्हें अमरीका बारे तो कहता भी साढ़े चार बंदे अमरीका दे मर गए दुख पटाए साडे बंदे दा इहनूं इक दिन नहीं होया। मोदी नूं सोचना चाहीदा ये बनाया असीं बनाया ये गुंडी सरकार असीं इहनूं वोटां पा के बनाया ये कितें भुलेखा ना खा लवे। असीं आप भुगते भी तां ही हैं असीं बनाया हुण कोई नहीं जिहड़ी आ मशीनां मशूनां ने कहना इहदा भी असीं विरोध करांगे। बिहार दे विच वोटां नहीं इहनूं पाईआं ये मशीनां रख देंदे ने ऐटोमैटिक वोट इहनां नूं जांदी है। बाहरियां गल्लां दा फायदा कोई नहीं जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं हुंदे असीं नहीं जांदे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं रजिंदर सिंह बैंजीपाल सूबा प्रधान भारतीय किसान यूनियन असी खन्ने रेलवे स्टेशन के उत्ते तकरीबन 108 दिन हो गए लगातार निरंतर धरना चलते नहीं। दो बजे साढ़े बड़े तकड़े जथे दिल्ली गए ने और 65 दिन हो गए इतने भुख हड़ताल चलती नहीं। इतों बड़े बड़े काफले हर रोज़ असी भेज रहे हैं जिहड़े मोदी ने तीन काले कानून बनाए ने कोविड की ओर च कलम की नोक से डैथ वारंट बनाए ने साढ़े उन्होंने रद्द कराने लई दिल्ली तकरीबन 2 महीने होने वाले ने भी साढ़े भैन भरा बजुर्ग मातावान सारे उत्थे दिल्ली बैठे ने। मेरा उन्होंने मूहे सिर झुकदा सलाम है उन्होंने लोगों को जोड़े इन्नी ठंड के बिच उस मोर्चे ने चला रहे हैं। इतों की जलम हिटलर सरकार हाले कोई दस से मस नहीं हुई। बाहरले मुल्कों के कनेडा अमरीका
सारे मुल्कां ने सानू बहुत बड़ा साथ दिता, बड़े बड़े उत्थे मतलब रोस मार्च करके अंदोलन नू साथ दिता। बाहरले मुल्कां च जिन्ने साडे नौजवान बैठे ने, मैं उहनां दा वी बहुत धन्नवादी हाँ जिहड़े हर रोज़ बड़े बड़े रोस मार्च करके इत्थों दी सरकार नू जगा रहे ने। इत्थों दी सरकार ने कुछ दिन पहलां अमरीका दे विच कुछ बंदियां दी डैथ होई सीगी, उहदा मोदी साहब ने अफसोस जताया, पर बड़े दुख की गल आ साढ़े 75 नौजवान 18 साल के बच्चे शहीद हो गए इस अंदोलन के। मोदी साहब ने एक बारी भी यह नहीं कहा भी इस देश के शहीद होने कि बड़ा बितकरा, क्योंकि ये साढ़े देश का प्रधानमंत्री है, उन्हें यह नहीं पता भी शांतमई ढंग लोग अंदोलन चला रहे हैं, पर इतने शहीदियों के हर रोज़ दो तीन बंदे शहीद हो रहे हैं। एक भी बयान मोदी का ना मोदी के मंत्रियों का इतने आया, सगों सानू कहते हैं भी पिकनिक मना रहे हैं। किसान अतवादी ने, बखवादी ने, बड़े साडे ते दोष लाए जा रहे ने। सरकार की नीत आ नीति च फर्क है, क्योंकि जिहड़ी इत्थों दी हिटलर सरकार है, इत्थों दी हिंदूवादी सरकार है, ये सानू इंसान ही नहीं समझते असली मायने च। इन्हां ने गल तां की करनी आ, इन्होंने जिहड़े कानून बनाए ने इन्हां दी लोड़ की पैगी, जदों सानू लोड़ ही नहीं थी, बगैर पुछे कानून बनाए ने, क्यों इन्होंने बनाए। असी कदे भी अदानी अंबानियों नूं पंजाब विच नहीं बढ़ देवांगे। हुण तां इह अंदोलन आल इंडिया का बन गया, आल वर्ल्ड का बन गया। जिहड़ी साडा फैसला होगा, एक तां 3 काले कानून रद्द कराउणे ने, दूसरा 1 करोड़ रुपया जुर्माना जीरी का, 5 साल की सज़ा, तीसरा 2020 बिल, पंजवां हैगा जिहड़ा भी मतलब जिन्हें किसानों ते केस बने ने वह रद्द कराउणे ने। बाकी मोदी सरकार नूं इह चाहीदा जिहड़े साडे किसान उत्थे शहीद होए ने उन्हां नूं 1-1 करोड़ रुपया उन्हां नूं मतलब मदद देनी चाहिए है, माली उन्हां दे परिवार नूं कोई सरकारी नौकरी देनी चाहिए है तां जो गुजारा चला सकण। कई बुढ़िया मावां दे 18 साल दे बच्चे भी शहीद होए ने, बड़े दुख की गल है। इत्थों दी सरकार दे कन्न ते टस ते मस नहीं झड़की, यह वोटां नाल बनी हुई सरकार नहीं, ये EVM ना बनी हुई लड़ाई है। सानू किसी वेले वड्डे पद्धर ते EVM की लड़ाई भी लड़नी पऊ, क्योंकि इन्हां लोकां नूं पता भी असीं तां EVM नाल जित जाणा, गुंडियां दी सरकार है। ये प्रोग्राम है इत्थों असीं तकरीबन वड्डे पद्धर ते 2,000-2,500 ट्रैक्टर ट्राली कारां दा काफिला लै के दिल्ली जाणा, क्योंकि साडियां किसान जथेबंदियां ने मतलब सानू कहा भी 26 दी परेड दे विच 1 लाख तो बाद ट्रैक्टर पहुँचना चाहिए, उस मोह अपने उन्होंने सिरे चढ़ाने लई असी इतों बड़ा बड़े पद्धर से 2,500 ट्राली के लगभग असी इतों जथा तोरांगे और असी नाल जावांगे दिल्ली तक।